हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे बच्चों कि ये थ्योरी किसने दी थी, इसके स्टेटमेंट क्या थे, क्या उन्होंने बताया था और इसमें क्या अजम्पशंस थे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है बच्चों कि ये जो थ्योरी है ये दो लोगों ने दी थी, उनके नाम थे क्लॉजियस और मैक्सवेल। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलकर ये थ्योरी दी थी। इन्होंने ये बताया बच्चों कि जो गैस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम और रैपिड मोशन करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, यानी वो किसी भी दिशा में मोशन करते रहते हैं और अलग अलग वेलोसिटी से ये मोशन करते रहते हैं। तो ये जो वेलोसिटी होती है बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी गैस का जो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उनकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जो टेम्परेचर अगर कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी। तो बच्चों, इस डायग्राम को जो आप देख रहे हो ये गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से ये मूव करते हैं। किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं, कोलिजन होते हैं और फिर ये अलग अलग मूव करते रहते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि कुछ सॉलिड सर्कल्स हैं और उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो सॉलिड सर्कल्स हैं ना बच्चों, ये कोलिजन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ पर कोलिजन हुआ है। और जो स्ट्रेट लाइन है ये पाथ को रिप्रेजेंट करती है कि कोलिजन के बाद वो मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। और जो नंबर है वो कोलिजन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई, जैसे नंबर वन की बात करें तो कोई मॉलिक्यूल आता है और नंबर वन पे मौजूद किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन उसका होता है और फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होकर वो नंबर टू वाले मॉलिक्यूल की तरफ चला जाता है। फिर नंबर टू पर उसका कोलिजन होता है, वहाँ से उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज होती है और वो अपने नंबर थ्री की तरफ मूव कर जाता है। फिर थ्री पर उसका कोलिजन होता है, फोर की तरफ चला जाता है, फोर पर कोलिजन होता है, फाइव की तरफ चला जाता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से वो अपने हर कोलिजन के बाद डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार अपना मोशन करते रहते हैं और कोलिजन उनमें होते रहते हैं। तो इसी मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से ही, हेल्प से ही बच्चों, जो गैस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी गैस के प्रेशर को, गैस के टेम्परेचर को, उसकी एनर्जी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी कि अगर हमें गैस के मॉलिक्यूल्स के नंबर पता हो कि गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन, लाइक उनका प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो सकता है, एनर्जी क्या हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके हम फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अजम्पशंस की, यानी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते वक्त जो अजम्पशंस क्लॉजियस और मैक्सवेल साहब ने ली थी उनको हम डिस्कस करेंगे। अजम्पशन का मतलब ये कि वो क्या मानकर चले थे जब उन्होंने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की, तो वो क्या बातें थी कि वो जो मान के चले थे। तो ठीक है, तो उन बातों को हमने यहाँ पर नंबर्स की फॉर्म में दिखाया है। तो पहली बात जो वो मान के चले थे वो ये थी कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो सब मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हुई हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्फेयर्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं। यानी एक गैस के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे शेप और साइज में, ठीक है, और वो रिजिड होंगे। रिजिड का मतलब कि वो एकदम सॉलिड होंगे, तो और इलास्टिक होंगे। इलास्टिक का मतलब ये हो गया कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या वेसल की वॉल से टकराएंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है या उनका जो मोमेंटम है उसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है। यानी जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम और उतना ही काइनेटिक एनर्जी उनके कोलिजन के बाद भी होगी। और साथ ही साथ ये भी मान के चले कि एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे होते हैं, दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स वो एक अलग तरीके के होते हैं और तीसरी गैस के मॉलिक्यूल एक अलग तरीके के होते हैं। यानी कि कुल मिला के कहानी ये है बच्चों कि जो एक गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन दूसरे गैस की कंपैरिजन में वो अलग अलग होते हैं शेप और साइज में। दूसरी बात ये मान के चले कि जो गैसेस का जो साइज है, मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो एकदम नेग्लिजिबल है, साइज बहुत ही नेग्लिजिबल है। किसके कंपैरिजन में? डिस्टेंस के कंपैरिजन में। यानी दो मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का जो साइज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है और उसको इग्नोर किया जा सकता है। तीसरी बात जो एज्यूम करके चले, क्या मान के चले, वो ये थी बच्चों कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं और सभी डायरेक्शंस में सभी पॉसिबल वेलोसिटीज के साथ वो चलते रहते हैं, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में समझा। इसके बाद जो चौथा अजम्पशन है वो ये लेके मान के चले कि जो जब मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है और वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और
वेजल की वॉल से भी कोलाइड करते हैं, और जब कोलाइड करते हैं तो उनके जो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब वो टकराएगा और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ अजम्पशन है, जो बात वो मान के चले क्लॉसियस और मैक्सवेल साहब, वो ये थी बच्चों कि जब कोलिजन होता है ना, वो बिल्कुल ही इलास्टिक होता है, यानी परफेक्टली इलास्टिक होता है। और जब कोलिजन होता है या जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि जो कुछ है उनमें काइनेटिक एनर्जी है, उनमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता ही नहीं है। तो जो कुछ इनकी इंटरनल एनर्जी होती है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होती है। सिक्स अजम्पशन जो वो लेके चले बच्चों, वो ये था कि जब दो कोलिजन होते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कोलिजन के बाद एकदम स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा, कोलिजन हुआ एक नंबर से, वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए 2 नंबर पे पहुंचा, 2 नंबर पे कोलिजन को, फिर को स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए 3 नंबर पहुंचा। तो इस तरीके से चलता रहता है, और जो जब वो चलता है मॉलिक्यूल तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो कुछ चेंज होगा कोलिजन के बाद होगा वेलोसिटी में, और साथ ही साथ जो दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मीन फ्री पाथ नाम दिया गया। ठीक है, तो जैसे नंबर वन और नंबर टू के बीच का जो पाथ है उसको कहा गया मीन फ्री पाथ, ऐसी नंबर टू और नंबर थ्री के बीच का जो पाथ है उसको कहा गया मीन फ्री पाथ। ठीक है, सेवेंथ अजम्पशन ये था बच्चों कि जो कलिजन होता है ना वो एकदम इंस्टेंटेनियस होता है, यानी क्षण भर का होता है, क्षण भर में ही टकरा के वो दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ चला जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब किसके साथ, किसके कंपैरिजन में ये एकदम नेग्लिजिबल होता है, जो ड्यूरेशन होती है यानी कि क्षण भर का जो कलिजन है वो किसकी तुलना में क्षण भर का होता है, वो होता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स की वजह। यानी कि जब वो नंबर टू से नंबर थ्री तक चला गया तो जितना टाइम लगा वो ज्यादा था, बजाय उसके कि जब वो नंबर थ्री से टकराया, टकराते ही वो दूसरी डायरेक्शन चला गया, तो जो टकराने का जो टाइम ड्यूरेशन वो बहुत ही मामूली है। और एट अजम्पशन ये थी बच्चों कि इतना सारा कोलिजन होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल्स का भी और वॉल्स के साथ भी जो गैस की जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, यानी कि गैस में ऐसा नहीं होता कि एक तरफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो जाएं और दूसरी तरफ, या कोई ऐसा एरिया हो जहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो, ऐसा कहीं नहीं होता। गैस की जो डेंसिटी होती है ना वो एकदम यूनिफॉर्म रहती है सारे में। तो ये थे बच्चों 8 अजम्पशंस जो मैक्सवेल साहब मान के चले थे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं प्रेशर की, कि ये जो गैस है ना वो किस तरीके से जो वेजल है उस पर प्रेशर लगा। अब क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होता रहता है तो आपस में भी होता है, वॉल से भी होता है, तो जब वो वॉल पे प्रेशर, जब वॉल से उनका कोलिजन होता है तो वही कोलिजन कहलाता है प्रेशर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस वेजल की दीवार पर भी कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, और टकराने की वजह से ही जो वेजल है उस पर एक प्रेशर लगता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब सिलेंडर की नॉब को जैसे ही हम प्रेस करते हैं, सिलेंडर, गैस सिलेंडर की, तो एकदम से गैस के पार्टिकल्स, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बहुत तेजी से आवाज करते हुए निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो दीवार पर, गैस सिलेंडर की दीवार पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।